अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कॉइन आपको नुकसान दे रहा है वो भी आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अब वो किस तरह दे के जाएगा, किस तरह आप जो से कॉइन डंप हो रहे होते हैं आप उनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट गाइड करूँगा। सो आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलिए अब टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में बाइनेंस आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो मैंने बेसिक अपनी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाली है, आप वो जाके देख सकते हैं, बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो स्टेप बताऊँगा ये सिर्फ बाइनेंस तक महदूद नहीं रहेगा, आप बिटगेट, बायबिट को, कॉइन बेस वगैरह पे भी जाके इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से भी फ़ायदा होगा। अब मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल अकाउंट, यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर बाइनेंस को ओपन कर लिया है। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाइनेंस के रिलेटेड बताया था कि आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें, यानी आप यहाँ पे लॉन्च पैड एंड लॉन्च मोड में जाके बिल्कुल फ्री के टोकन हासिल करें, तो मुझे फ्री के टोकन हासिल हो चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ वीडियो में दिखाना था, वीडियो में मैंने दिखा के अपनी पेमेंट निकाल ली थी, उसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस कॉइन की प्राइस क्या चल रही है, 0.1472, और ये कितने परसेंट पम्प कर चुका है, +3% यहाँ पे पम्प कर चुका है। सो अगर आप नीचे देखें तो ये USDT जा रहा है माइनस में। अब मैं आपको यहाँ पे इसका स्टेप भी बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको बिटगेट के ऊपर भी बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं किस तरह समझे आप गेस कर लें कि मेरा ये कॉइन यहाँ पे डंप हो रहा है। डंप मीन मैंने इस कॉइन को बाय कर लिया है 0.14 पे और इसकी प्राइस चली गई है 0.11 पे। सो अब आप किस तरह कर सकते हैं, आपने सोचना है कि आपने इस कॉइन को कितनी देर के लिए यहाँ पे स्ट्रेक के लिए रखना है, यानी मींस यहाँ पे आपने इस कॉइन को कितनी देर तक होल्ड करना है। अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये तो सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप यहाँ से दो तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं, पंप होगा फिर भी अर्निंग होगी, और जो मेरा प्रोसेस है उससे भी अर्निंग होगी, डंप होगा और मेरा प्रोसेस दोनों तरीकों से अर्निंग होगी। डंप से आपको थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन जब आप मेरे स्टेप से करेंगे आपको उससे भी फ़ायदा होगा। सो उसके लिए आपने कॉइन को देख लेना है। कॉइन को देखने के बाद ऊपर आपने अर्न वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको अर्न वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल के अंदर मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने कहाँ से जाना है। ऊपर आपको बाइनेंस का लोगो नज़र आ रहा होगा, यानी मोर का बटन, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप सर्च करके अर्न वाले सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे ही आप अर्न वाले सेक्शन में आ जाएंगे यहाँ पे आपको सिंपल अर्न नज़र आ रहा है। सिंपल अर्न से आप यहाँ से इथेरियम को भी स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप नीचे तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको सारे कॉइन मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे चेक करते हैं वो कॉइन स्टेकिंग में लग सकते हैं नहीं, जिस कॉइन को हमने अभी किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया रेस, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइन रेस यहाँ पे हम स्टेकिंग में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल बताने से अच्छा यहाँ पे आपको वैसे ही बता दूँ कि ये आप कॉइन बाय कर लेंगे, ठीक है, आपने इसको जिस कॉइन प्राइस पे भी बाय कर लिया, अब आपने इसको इससे ऊपर वाली प्राइस तक बाय होल्ड करके रखना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। लेकिन जैसे ही आप इस कॉइन को बाय कर लें उसके बाद आपने आने यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन में, आपने इसको स्टेकिंग पे लगा देना है। जैसे ही आप स्टेकिंग पे लगा देंगे आपको क्या होगा, आप यहाँ से दो मेथड होते हैं, या तो फ्लेक्सिबल या फिर फिक्स, आपने फ्लेक्सिबल के साथ रहना है। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि आप जब चाहें अपनी मर्जी से इस कॉइन को स्टेकिंग से हटा के सेल कर सकते हैं। फिक्स में तो आपको टाइम पीरियड मिलता है, और तब तक अगर आपका TP हिट भी हो गया, यानी टेक प्रॉफिट हिट हो गया, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने यहाँ पे जाना है फ्लेक्सिबल में। जैसे आप फ्लेक्सिबल में आएंगे आपने अपने कॉइन को यहाँ पे इनके पास स्टेकिंग के लिए रखवा देना है, आपका कॉइन बढ़ता जाएगा, यानी आप स्टेक कर देंगे। जैसे आप स्टेक करेंगे जितना उनका पीरियड होगा, जिस तरह वो आपको बताएंगे उस लिहाज से आपके कॉइन बढ़ते जाएंगे, और इस तरह अगर आपका कॉइन डंप भी होगा तो उससे आपके कॉइन बढ़ते ही जाएंगे। जब आपके कॉइन का पंप चलेगा तब भी आपके कॉइन बढ़ते रहेंगे। इस तरह आपको यहाँ से दो तरीकों से फ़ायदा हो सकता है। अब वो आप स्टेकिंग के ऊपर किस तरह लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखें सर्च किया है, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन हैं, ज़्यादातर कॉइन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मैंने नए कॉइन की बात कर लूँ तो वो रहता है। अब आपको यहाँ पर ड्यूरेशन नज़र आएगी, आपने यहाँ पर फ्लेक्सीबल, किसी किसी कॉइन में यहाँ पे फ्लेक्सिबल और फिक्स दोनों होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल और फिक्स दोनों नज़र आ रहे हैं। ऊपर से आप ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल चाहिए फिक्स चाहिए, आपने फ्लेक्सिबल के साथ रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए आपको फिक्स ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिक्स के अंदर आपको ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कर सकते हैं, मैच पे एसेट्स को टिक कर लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे रेस कॉइन को सर्च कर लिया आपने, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सब्सक्राइब, आपने सिंपली सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने फ्लेक्सिबल रहना है या फिर प्रोडक्ट के कुछ रूल्स होते हैं, आपने इनके रूल्स को यहाँ से एग्री कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबल बता रहा है, फ्लेक्सिबल में आपके पास जितनी अमाउंट है आप सारी मैक्स कर सकते हैं। ऑटो सब्सक्राइब के ऊपर भी लगा सकते हैं। ऑटो सब्सक्राइब का मतलब यह है कि आप जैसे ही कॉइन खरीदेंगे और ख़रीदेंगे, जैसे आप DCA करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, तो जैसे ही आप ये कॉइन बाय करते जाएंगे ऑटोमेटिकली इस स्टेकिंग के प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। इसलिए अगर आपने ऑटो सब्सक्राइब को अगर चेक मार्क किया होगा, मैंने यहाँ पे मैक्स के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहाँ से आप अपना वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आपको समरी मिल जाती है। समरी में आपको बता देते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिहाज से कितने कॉइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर भी जाते हैं, यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे तो आपको बताते जाएंगे कि अगर आप हमारे पास इतनी देर के लिए रखाएंगे तो आपको इस लिहाज से कितने कॉइन मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0.46% आपको मिलते जाएंगे। उस लिहाज से आप यहाँ पे एग्रीमेंट जैसे ही पढ़ेंगे आपको सारी डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर कॉइन का हर स्टेप अलहदा अलहदा होता है। सो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। डेली रिवॉर्ड टाइम में आपको यहाँ पे पता चल जाता है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे 24 आवर्स के लिए, 30 डेज़ के लिए आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। अब जैसे ही आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, कॉइन्स तो आपको मिलते रहेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपने यहाँ पे कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, बैक कर दें, ओके कर दें, अब आपका काम खत्म। अब आपका कॉइन ऊपर जाए नीचे जाए, आपने जब सेल करना है तब आपने इसे स्टेकिंग से हटाना है, और जब आप स्टेकिंग से इसे हटाएंगे तो आपको उसके बदले कॉइन्स मिलते रहेंगे। अब वो कॉइन्स कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आपने अपने आ जाना वॉलेट वाले सेक्शन में। यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ओवरव्यू में। जैसे आप ओवरव्यू में आएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर जब आप देखेंगे स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग, उसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगा अर्न वाला सेक्शन। सो यहाँ पे मेरे में भी आपको कंप्यूटर में अर्न वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आ गया सिंपली अर्न वाले सेक्शन में। जैसे आप अर्न वाले सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे आपका ये कॉइन आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन में आया हूँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये कॉइन आ चुका है, यहाँ पे मेरा ये कॉइन आ चुका है। आप यहाँ से भी इसको ऑटो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने इस कॉइन को अभी सेल करना है, ठीक है, उसके लिए आप आ जाएं यहाँ पे रिडीम पे, मैक्स के ऊपर क्लिक करें, किस वॉलेट में चाहिए सिंपली कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करें, उसी टाइम विदाउट एनी कटिंग आपको यहाँ पे आपके कॉइन मिलते हैं। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कॉइन यहाँ पे डम भी होता है तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।